सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JKD सिंफो यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है जयेश कुमार और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने एक पोस्ट में एक फ़ोटो डाली थी जो कि थी कुछ इस तरह से, मैं आपको यहां पर से दिखा रहा हूं। तो दोस्तों ये वो कम्युनिटी में मैंने एक फ़ोटो डाली थी और काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने दोस्तों यहाँ पर कमेंट करके मुझे पूछा था कि ये क्या है और ये क्या प्लान है और ये क्या बनाया है आपने। तो दोस्तों ये जो है वो एक स्टैंड है जो कि ऑटोमेटिक दोस्तों कोई भी सैटेलाइट को अगर सेट करना है तो वो काम करेगा। तो वैसे दोस्तों इस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आगे मैं दोस्तों आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। और फिलहाल के लिए दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेलर मौजूद है कि मैंने किस तरह से ये प्लान बनाया है और किस तरह से हम ये इसे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक मैं आपको यहाँ पर से दिखा रहा हूँ कि एक सिंपल सा ये स्टैंड है जो कि सी बैंड डिश में मैंने फ़िलहाल तो ये हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसके लिए हमने अलग अलग सैटेलाइट के मार्किंग किए हैं और डिश को ऊपर नीचे करने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अलग अलग मैंने जो मार्किंग किए हैं वो सारे अलग अलग सैटेलाइट के मार्किंग यहाँ पर से लगे हुए हैं। तो जो भी सैटेलाइट को मुझे यहाँ पर से सेट करना हो, और सिंपल यहाँ पर मैंने एक हैंडल बनाया है और हैंडल से दोस्तों इसको घुमाना है और जहाँ पर वो सैटेलाइट है वहाँ पर इसको बिठा देना है। जैसे कि ये एक सैटेलाइट हो गया, मान लो ये 105 है, तो यहाँ पर ये 105 सैटेलाइट की डायरेक्शन में डिश आ चुकी है, ठीक है। अब इसे हम ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर एक हैंडल बनाया है मैंने, जिसे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस तरीके का मैंने कुछ यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। और मेरे जो एक मित्र है दोस्तों यहाँ पर, जिसका नाम है रमेश भाई, और ये काफ़ी सारे मतलब अलग अलग आइडियाज़ लाते हैं, और साथ ही में दोस्तों हम मिलकर आपको एक कंप्लीट वीडियो बताएंगे कि आखिर ये कैसे वर्क करता है और किस तरह से आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा एक ट्रेलर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक